देख रहे हैं न्यूज प्लस 24 आपके साथ मैं हूं अंशिका। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। नहीं रहे बॉलीवुड सिंगर वाजिद खान, 43 साल की उम्र में निधन। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,90,000 के पार, 93,000 पॉजिटिव केस। लॉकडाउन 5 का आज पहला दिन, पूरे देश में आवाजाही की मिली छूट। सीएम योगी का निर्देश, बगैर राशन कार्ड वालों को खाद्यान्न और 1,000 रुपए की दी जाएगी सहायता। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, 9 जून को वर्चुअल रैली करेंगे अमित शाह। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज किसान, छोटे कारोबारी और रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आज की बैठक में आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के कुछ फैसलों को मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान, यूनिवर्सिटीज में फाइनल सेमेस्टर के नहीं होंगे एग्जाम। दिल्ली में बिना ई पास के नहीं मिलेगी एंट्री, सरकार ने 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। हिरासत में लिए गए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने का आरोप। बिहार में पिछले 24 घंटे में 242 लोग कोरोना संक्रमित, 3,807 हुआ आंकड़ा। 9 जून को आरजेडी मनाएगा गरीब अधिकार दिवस, बीजेपी की रैली के विरोध में थाली, ताली या कटोरा बजाने का पार्टी नेताओं को निर्देश। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज प्लस 24। नमस्कार।